हम आइए रहा तू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम अजय से नहीं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय से नहीं मुजफ्फरपुर। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं झपी देवी, जो कि देवरिया रोड में है। और इधर बता दें कि साबिक केसरिया रोड इधर इधर जाता है और इधर मुजफ्फरपुर नज़दीक है। मुजफ्फरपुर से आने में लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि मुजफ्फरपुर लास्ट छोर पड़ता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए पूरा वीडियो हम दिखाते हैं यहाँ क्या मनाता है, और पंडा यहाँ के पंडा से भी बात करेंगे कब से और कैसे स्थापना हुआ इस मंदिर का, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। कैमरा एक हाथ से लगा लो। कैमरा तो ये ठीक है, तो है ये, लेकिन पूरा नज़ारा झमी देवी मंदिर का। और एक चीज़ आप लोग को और बता देता हूँ, अभी हम यहाँ पर शादी समारोह में भी आया हूँ, जो कि मंदिर में शादी होता है, इसमें हम अभी शामिल अभी होंगे। देखिएगा लड़का लड़की को, लास्ट वीडियो में हम बताएंगे। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। पहले चलो पंडा से बात करते हैं। आराम से नया सी मकल है ना, व्यवस्था करा है। चलू है बाबा, प्रणाम, खुश रहिए बाबा। आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं इस मंदिर में? बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा, बोला बाबा, इस मंदिर में आप लोग कब से सेवा दे रहे हैं? इस पर मेला में, इस मंदिर में 40 साल से हम लोग माने पुजारी काम कर रहे हैं। इस मंदिर में कौन कौन से भगवान का? मंदिर में हम लोग 7 पुजारी हैं परम हैं। यह मेला 40 साल से माने लग रहा है, 50 साल से नेपाल से आए हुए माता हैं जी। बाबा अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम विष्णुकांत तिवारी हुआ सर। और इस मंदिर में कौन कौन से भगवान का? सबसे पहले तो माने माता का मंदिर है, शंकर जी हैं, बजरंग बली हैं, विश्वकर्मा जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, शनिदेव जी हैं, उसके बाद संतोषी माता हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी का पूरा सेट मूर्ति है। और इस मंदिर का क्या मनाता है बताइएगा? जिसे मेला लगता है कुकर समार, तो हफ्ता में 2 दिन सब मेला है जी, सालों भर का मेला है, सालों भर में मेला लगता है। यहाँ का मैंने देख रेख में समिति है, 15 आदमी समिति चलाते हैं। ऐसे जो लोग मैंने समिति के लोग आदेश करते हैं, उस अनुसार हम लोग पंडित जी लोग चलते हैं। और यहाँ पर शादी समारोह मतलब हमेशा होते रहता है? और शादी समारोह भी अंधेरा में भी होता है, मेला के दिन भी होता है, महीना में 25 दिन शादी नेपाल से आप माता है। और कुछ पूछिए महाराज, पूरा सब कुछ कर दो। आप अपने बारे में बताइए। नंबर पहले आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी हुआ जी, घर मेरा बंगरा हुआ जी। हम इस मंदिर पर रहते हैं, झपही देवी मंदिर पे हम शनि भगवान का पुजारी हुए। आप लोग यहाँ कब से सेवा देना है इसके बारे में बताइए। देखिए हम लोग को तो यहाँ मंदिर जैसे बनते गया, पुजारी लोग का यहाँ ड्यूटी चालू हो गया, समझे कि नहीं।
लेकिन मेन तो माता का मंदिर है, जो मंदिर 40-50 साल पुराना मंदिर है। और उसके बाद और भगवान लोग का स्थान बना, फिर पुजारी लोग का यहाँ अच्छा शादी में आप भी शामिल होते हैं, मतलब शादी कराते हैं हम। शादी कराने वाले भी पंडित जी हैं, वो अलग से है, वो अलग है। अच्छा, यहाँ हमें 12 मास होते रहता है क्या? हाँ हाँ, हमेशा शादी, हाँ शादी और जाम रख रहा हूँ। आज के डेट में लगभग कब होता है शादी? अभी आज तो एक ही हुआ है। अच्छा, वही हो रहा है जो एक लड़िया लड़का हो रहा है। आज का डेट में बता रहे हैं कि एक ही आया है और हमेशा ऐसा ही भीड़ लगा हुआ रहता है। ठीक है, प्रणाम पंडित जी। जय जय।